वहीं रेवाड़ी में शुक्रवार को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की और बाद में उन्होंने संकेत दिया कि हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर माह में होंगे। जल्दी इस चुनाव की तारीखों को लेकर जरूरी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आपसी भाईचारे का है, इसीलिए जननायक जनता पार्टी इसे अपने पार्टी निशान पर नहीं लड़ेगी। इसके पहले हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने रेवाड़ी में प्रशासन के साथ एक बैठक के बाद कहा था कि सितंबर में पंचायत चुनाव एक चरण में कराए जाएंगे। जो पंचायत चुनाव को लेकर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक रिवाइज मीटिंग है, फीडबैक लेने के लिए आज हम जिला बार जा रहे हैं। मेरी भी 7 जिलों में ड्यूटी लगी, तो उसी संदर्भ में आज मैं रेवाड़ी जिले पहुंचा हूं। आज अधिकारियों से भी एक बार जो डेवलपमेंट को लेकर रिवाइज मीटिंग डी साहब हैं हमारे और विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, सबसे डिस्कशन हुआ है कि हमें जो डेवलपमेंट है वो गुणवत्ता के साथ धरातल पर पहुँचानी है। सरकार की मंशा है कि हर हरियाणावासी या हमारे गांव में बैठे हुए जो आखिरी छोर पर परिवार है, तो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि उस आखिरी परिवार तक वो सुविधा सरकार पहुंचाने में कामयाब रहे। कब तक हाँ है हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो सकती है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे। सर कोर्ट में अगले महीने हो जाए, कोर्ट केस तो काफ़ी विचाराधीन है, लेकिन चुनाव हम इस महीने में करवाएंगे। सरपंच और पंचायत के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं, इसमें मैं ये मानता हूँ कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। और जो बड़े चुनाव हैं जिला परिषद के, उसमें दोनों पार्टियाँ का फैसला लेंगे, जो भी फैसला होगा आप लोगों तक पहुँचेंगे। उसी के लिए आए हैं, साथियों को मोटिवेट करेंगे। आज सरकार में हम हिस्सेदारी है हमारी, मजबूती सरकार चलवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, साथियों को मोटिवेट करेंगे, घर घर तिर जाएंगे और जो पार्टी की नीतियाँ हैं उनको बताने का काम करेंगे, और आने वाले समय में भी जो वोट परसेंटेज हमारी पार्टी की है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। जो